तर आपण षटक क्रमांक दुसरा पाहतो. आतापर्यंत मजबूत स्थितीत अंजुमन स्पोर्टा संघ. षटकातील पुढील चेंडू, यावेळेस आपल्या स्टेप मध्ये चुकतोय गोलंदाज फरहान. षटकातील पुढील चेंडू, यावेळेस बॅटची कडा घेऊन चेंडू गेलाय. सीमार शिलगत ट्रॅव्हल होतोय. एक धाव पूर्ण, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, दुसरी धाव देखील पूर्ण झालेला आहे. पुन्हा एकदा सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट आपण पाहिलं. दोन धाव पूर्ण झालेले, धाव संख्या 24 झालेला आहे. चोवीस धावा आपण पाहतोय धाव फलकावर. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना काही चेंडू शेष आहेत. अतिशय उत्कृष्ट सुरुवात आपण पाहतोय आणि त्याचं पूर्ण श्रेय जातंय ते म्हणजे फलंदाज अकबर याला, कारण आतापर्यंत दोन षटकार टोकलेले आहेत अकबर याने. यावेळेस पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळ. एक मोठा फलंदाजाच जीवनदान दिलं जातंय, कारण आपण पाहतोय की अकबर एक स्ट्रोक प्लेअर आहे. मोठ्या फटक्या खेळण्याची क्षमता त्याच्या मनगटामध्ये, स्फोटक प्लेअर मानला जातोय. आणि त्या फलंदाजास जीवनदान देणं नक्कीच महागड ठरू शकतोय, कारण एक साधा सरळ सोपा झेल होता, मात्र त्या ठिकाणी चुकी करतोय क्षेत्ररक्षक, झेल सोडतोय. तर दोन षटकाची समाप्ती, आपण दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर 25 पाहतोय. आपण पहिलं षटक पाहिलं होतं, त्या षटकामध्ये 12 धावा खर्च केल्या होत्या गोलंदाज असण्याने याने. त्यानंतर मात्र फरहान याने 13 धावा खर्च केल्यात. अतिशय सुरेख सुरुवात आपण पाहतो अंजुमन स्पोर्ट या संघाची. तर पाहूया उर्वरित दोन षटकांचा खेळ, अजूनही शेष आहे. त्या दोन षटकामध्ये कुठपर्यंत मजल मारतोय अंजुमन स्पोर्ट हा संघ, आपल्यापर्यंत पोहोचवतील माझ्या साथी समालोचक इफ्तिकार अन्सारी. बहुत बहुत शुक्रिया संदेश वखारे. दो ओवर की समाप्ति, टोटल स्कोर है इस वक्त 25 रन. हालांकि अकबर का कैच छूटना ये अच्छी खुशखबरी नहीं है जेडी के लिए, क्योंकि ऐसे बैट्समैन है, इनको अगर जीवन दान मिलते तो उसके पूरे पूरे फायदे उठाते. कल देर शाम आपने देखा था सुमेल सूसे ने एक कैच छोड़ा, उसके बाद उसी बैट्समैन ने दो सिक्सर लगाए थे, और उसके बाद एक बहुत बड़ी गलती उमर खान की रही थी कि गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए थे, जिसके कारण दो पूरे हुए और आरके इस स्पर्धा से बाहर हो गई. दो कल बड़े अपसेट, वीआर को बाहर करके खुद इस स्पर्धा से बाहर हो गई है आरके स्पोर्ट्स, इस सीजन की नंबर वन टीम. इस मर्तबा पहले कैच नहीं, मैं समझता हूं मैं इस मर्तबा गेंद एक बार टोटल स्कोर इस वक्त 32 रन. आज पहली मर्तबा अंजुमन स्पोर्ट्स क्वार्टर फाइनल के अंदर एक सेफ जोन की तरफ बढ़ रही है, वरना इनकी भी लक साउथ अफ्रीका से कम नहीं थी. लेकिन आज अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद बीट हुए बैट्समैन शहबाज डॉट गेन. उस्मानिया स्पोर्ट्स के कैप्टन, एचएस के कैप्टन, आपको टॉस के लिए तैयार रहना है. इस बीच अगली गेंद बहुत खूबसूरती के साथ बुद्धिमानी भरा स्ट्रोक खेला, स्ट्राइक को रोटेट किया
अब पूरी टीम ये चाहती है कि अकबर को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दी जाए, क्योंकि अकबर की निगाहें जम चुकी है, बड़े स्ट्रोक्स खेल रहे हैं वो। आज उनके पैरों में स्ट्रेचेस है लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। इस बीच बहुत खूबसूरत गेंद निकलेश की, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले की जड़ से लगकर फ्लाई स्लिप पर थी, कोई रन नहीं। निकलेश, उनकी ये गेंद, ना तौल कर मारा था, बहुत दिनों के बाद। अंजुमन स्पोर्ट्स टोटल स्कोर है 39 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद, और इस ग्राउंड पर हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज पर 40 बॉल। ये देखिए एक इक्वेशन कितना अच्छा है हमारे स्कोर बुक में, पहले गेंदबाज ने 12 दिए, दूसरे ने 13 और तीसरे ने 14, तो 12-13-14 का इक्वेशन है। देखना है क्या ये गेंदबाज कितने रन देते, हालांकि 15 तक सोचेगी अंजुमन स्पोर्ट्स, क्योंकि जितने ज्यादा रन होंगे उतना जेडी के ऊपर प्रेशर होगा, क्योंकि जेडी स्पोर्ट्स के पास भी अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं जो कि इस लक्ष्य को हासिल कर सकते। निकलेश है, परवेज है, प्रवीण और रफीक भी एक अच्छे बैट्समैन है, और आफाक मलिया खुद है। चौथा बल लेकर आ रहे नवीन, की पहली ही गेंद रनों के लिए गए। बाय के रूप में एक रन, यस आप अगर सफल होते शहबाज भाई तो गेंद वाइट नहीं रहती। और ये तो आप तो कमेटी के मेंबर है, तो आपको भी हमें कॉपरेट करना है। हमारे सबसे बेस्ट अंपायर इस वक्त शकील कोटी और फारूक बड्डी सर ग्राउंड पर, बहुत ही फ्रेश नजर आ रहे हैं आज शकील कोटी सुबह के सत्र में। तेरा कहना है मतलब रमेश भाई बेस्ट नहीं, अभी जब उतरेंगे तो है ना। इस मर्तबा गेंद को खेला, न्यू बैट्समैन इरफान, इरफान भी एक अच्छे बैट्समैन है ताल्लुका क्रिकेट के, लेकिन आप इस वक्त देख रहे हैं ताजीन ट्रॉफी 2018, अबरार डियो और ताजीन इंटरप्राइजेस की देन, और कोई टूर्नामेंट सफल होने में सबसे बड़ा हाथ हमारे अंपायरिंग पैनल का होता है, जिसमें शकील कोटी सर, फारूक बर्डी सर, रमीज रईस सर और शाहिद मोमिन सर। आज वो हमसे नहीं जुड़ पाएंगे। यस, खुशी मनाने में इतना मगन थी कि गेंद कहां गई पता नहीं, लेकिन स्कोर इस वक्त हो चुका है 40 रन 40 रन।
इरफान सामना करने के लिए तैयार। पहली गेंद का सामना किया, बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे, गेंद कारपेट के सहारे विनीत सिंह के पास, मिड विकेट की दिशा में थे, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। आज बहुत ज्यादा हवाएं बह रही है तो बैट्समैन को थोड़ी बहुत मदद तो मिलेगी ऑन साइड में। अब स्ट्राइक पर है बैट्समैन शहबाज, स्कोर तो सेफ जोन में पहुंचा जरूर है। अच्छी गेंद रनों के लिए गए, देखिए अंपायर से आर्गुमेंट्स नहीं करनी है मैंने, प्लीज अंपायर वहां पर दो रन बाय के रूप में और एक विकेट। बहुत ही सुहाना मौसम है आज, एक सुहानी ट्रॉफी ताजिन ट्रॉफी में अबरार डीओ की देन और मुमताज इंटरप्राइजेस की देन। टोटल स्कोर इस वक्त, इस मर्तबा गेंद को ड्राइव किया, एक और के लिए तीन रन। बहुत बहुत शुक्रिया। इस थ्रो का भी हम जिक्र करेंगे मुन्ना, मैच जब फंसेगा सब जहन में कि कहां कहां गलतियां हुई है जेडी की। टोटल स्कोर इस वक्त छियालीस रन 46 फॉर द लॉस ऑफ टू इंपोर्टेंट विकेट अंजुमन स्पोर्ट्स। सेफ जोन में है आज अंजुमन, दो कैचेस का छोड़ना कितना भारी पड़ा, दो थ्रो जो बहुत खराब थे जेडी के लिए। सामना कर रहे नवीन का इरफान, पटकी गेंद दो पूरे किए तीसरे के लिए, तो पहले बल्ले अड़तालीस बनाए और 49 की चुनौती है जेडी स्पोर्ट्स को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। उस्मानिया स्पोर्ट्स के कैप्टन और एचएस के कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है। एचएस के आ चुके, उस्मानिया स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको लास्ट कॉल है। जावेद सरदार, देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कह रही है कि टॉस के लिए आना है, वरना एक ओवर की पेनल्टी जो कि इससे पहले तीन टीमों को लगी है, बंटी स्पोर्ट्स, महांती स्पोर्ट्स और वराल देवी को तो सेमीफाइनल में लगी थी। शाहिद मोमिन सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, हमारे अंपायरिंग पैनल के एक बहुत खूबसूरत डाइसिंग और डायनामाइक पर्सनालिटी, आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है ताजिन ट्रॉफी 2018 में। मेरे करीबी दोस्त था अफ़ान के पिताजी शाहिद मोमिन।
अफनान के पिताजी बहुत तेज कदमों से आ रहे हैं। जब जिस तरह से रमीज रईस सर किसी की गाड़ी छूटने वाली होती है उसी तरह से इस वक्त आ रहे हैं, बहुत तेज कदम। यस, आपका इस्तकबाल है। एचएस स्पोर्ट्स के कैप्टन जुड़ चुके मुन्ना, और उस्मानिया स्पोर्ट्स के हमारे साथ जुड़ रहे हैं जावेद सरदार, काफी लंबे कदकाठी के खिलाड़ी। ये देखिए जमशेद, एक बड़ा मैच उस्मानिया बना मैचेस स्पोर्ट्स। मेरे पास सिक्का है हिंदुस्तान का, और टॉस के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़े रियाज पवार, आपको टॉस के लिए आना है। रियाज पवार, रियाज पवार जुड़ चुके हैं, उनके हाथों में मैंने सिक्का दे दिया है। इस वक्त टॉस को जीता है जावेद सरदार ने उस्मानिया के, आपको वीआईपी पर बैठना है रियाज पवार। जावेद सरदार, सबसे पहले ये बताइए कि अबरार डीओ और मुमताज इंटरप्राइजेस ने ये जो ट्रॉफी रखी, ताजिन ट्रॉफी, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अबरार डीओ की जो ट्रॉफी होती है तो नो डाउट बहुत ही अच्छी कराते हैं और बहुत दिल से करवाते हैं। आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे? फील्डिंग। सुबह का सत्र है, एचएच स्पोर्ट्स अच्छी टीम, ये अलग बात है क्लोज काउंटर में उनके मैच रहते हैं, लेकिन आपके जहन में एक लक्ष्य होगा कि कितने रनों तक रोक रहे? 40 तक रोकने के लिए कौन सा ऐसा वो गेंदबाज है जो आपकी मदद कर रहा है? मुकेश है, आकिब भाई है, नरेश। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जावेद सरदार, उस्मानिया के कैप्टन। अब हमारे साथ जुड़ रहे एचएस स्पोर्ट्स के कैप्टन मुन्ना। यस, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, दो एक्सपीरियंस कैप्टन हमारे साथ खड़े। मुन्ना, अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? बैटिंग। पहले बल्लेबाजी करते हुए कितने रनों तक जा रही, क्योंकि उस्मानिया स्पोर्ट्स पिछले सीजन खासदार की रनर रही थी, आपके जहन में एक लक्ष्य होगा कि कितने रनों तक आप जा रहे? कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बनाने की। आज टीम में कोई चेंजेस है क्योंकि बड़ा मुकाबला है? नहीं, सेम है। बहुत बहुत